हेलो, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आप व्याकरण का पहला पाठ अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ेंगे। आज मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताऊंगी। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जो है वह किसी भी शब्द को जब हम नाक से बोलते हैं, ऐसे शब्दों को लिखने के समय एक शीरो रेखा लगाते हैं, शीरो रेखा के साथ बिंदी का निशान लगाते हैं। ऐसे शब्द जो है अनुस्वार, ऐसे निशान जो है वो अनुस्वार कहे जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम शीरो रेखा के साथ एक चंद्र बिंदी का निशान लगाते हैं तो उसे अनुनासिक कहते हैं। अब अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग करते समय हमारी जो ध्वनि है वह नाक से निकलती है। हिंदी में वर्णमाला में दो प्रकार के अयोगवाह होते हैं, एक अंग, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। और इसी प्रकार से अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव है। जैसे संताप शब्द है, अतः शब्द है, ये विसर्ग का है, विसर्ग का प्रयोग है। इस शब्द का यदि वर्ण विच्छेद हम करें, संताप शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो स प्लस अंग, फिर त प्लस आ प्लस प प्लस अ, ऐसे उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। उच्चारण से यह स्पष्ट होता है कि इस शब्द में अनुस्वार का अंग का उच्चारण अ और न के रूप में हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों में अंग के उच्चारण के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग रूप देखे जाते हैं अंग के उच्चारण के। कहीं पे अंग का उच्चारण ग के रूप में होता है, कहीं न के रूप में होता है, कहीं म के रूप में होता है। इस तरह से सभी एक जैसे उच्चारण वाले नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, संरचना, संरचना जो शब्द है, सन जो अनुस्वार ये लगा हुआ है, अनुस्वार में न का हम उच्चारण कर रहे हैं। तो इसी तरह से संवाद, संवाद शब्द में आप देख रहे हैं, आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी, स के साथ म की ध्वनि सुनाई दे रही होगी, संवाद, संवाद। और इसी प्रकार जब हम इसको विग्रह करेंगे, पहले हम संरचना का विग्रह करते हैं, स प्लस अंग प्लस र प्लस अ प्लस च प्लस अ प्लस न प्लस आ, संरचना। और जो अंग का लिख रहे हैं, अंग के अंदर दो वर्ण हैं, दो में एक अ है और एक न है। इसी तरह से संवाद, संवाद जो शब्द है, स है प्लस अंग है, अंग में दो वर्ण है, स प्लस म, आपको ध्वनि से समझ में आ रहा होगा कि संवाद यानी कि म की ध्वनि सुनाई दे रही है। फिर व और आ और द प्लस अ। इसी तरह से संचार शब्द है, संचार में भी आपको ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी, यहाँ भी अनुस्वार लगा हुआ है पर ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी न की, स प्लस अंग में यहाँ पे अ और न ध्वनि है, फिर च प्लस आ प्लस र प्लस अ। इसी तरह से संहार, संहार यहाँ पे मंथन शब्द है, मंथन, मंथन में आपको न की ध्वनि सुनाई दे रही होगी, म प्लस न प्लस थ प्लस अ प्लस न प्लस अ, मन थन। तो अब यहाँ पे और है संताप, संताप, स प्लस न प्लस त प्लस आ प्लस प प्लस अ, इस तरह से यहाँ पे संताप शब्द हुआ। फिर कंग, कंगाल, कंगाल, क के साथ जो अनुस्वार है, अनुस्वार को हम अंग के रूप में देखे जानते हैं, जैसे क
और अंग क और अंग ग आ और ल अ, लेकिन क का जो अंग का उच्चारण है वो अंग के रूप में होगा। फिर उसके बाद जो है, अब अंग के उच्चारण के लिए जो अंग के उच्चारण की विभिन्नता है, उस विभिन्नता को हम अलग अलग रूप से जानेंगे। अलग अलग रूप से कैसे जानेंगे, जैसे कि पंचम वर्ण, जिसके जिसके पंचम वर्ण होंगे उसका उसका हम विग्रह करेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं, यहाँ चंचल, चंचल शब्द है च और पंचम वर्ण है इया, च और पंचम वर्ण है इया और च ल, चंचल। उसी प्रकार अंक, अंक में अ का पंचम वर्ण है अंग, अंक, अंक का पंचम वर्ण है अंग। फिर इसके बाद है मंद, मंद शब्द है, मंद में पंचम वर्ण है न, म द त थ द ध न, तो पंचम वर्ण है न, तो मंद का, मंद में जो बिंदी लगती है वो न के बदले में लगती है। उसी प्रकार संशोधन, संशोधन स में जो बिंदी लगाएंगे वो न के बदले में लगाएंगे। अब इसका एक नियम है, इस नियम के अंतर्गत कहते हैं कि जहाँ अंतस्थ, अंतस्थ यानी य र ल व, ये चार वर्ण अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। य र ल व, ये चारों अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। और ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं स श स और ह को, श श स ह, स श स ह जो है वो ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। इन सारे व्यंजनों के पूर्व जो अनुस्वार आते हैं उनका प्रयोग हम बिंदु के रूप में करते हैं। जैसे कि कंगाल, ये शब्द है कंगाल। फिर कंठ, छंद, गंदा, मंद, हंस, संशोधन, संयुक्त, हंस, संसार, कंकाल, संवेदना, जंजाल, संस्कार, खंड, संवाद, चंचल, संभव, सुंदर, चंद, चंपा, सन्यासी आदि। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनके उच्चारण नाक से किए जाते हैं और अनुस्वार लगाते हैं, परंतु हर शब्द के जो पंचम वर्ण या अनुस्वार है वो अलग अलग वर्णों के बदले में होते हैं। इनके जो है वो पंचम वर्ण अलग अलग होते हैं। अब जो है पंचम वर्ण जो जिनको हम नासिक के बोलते हैं, सारे जो पांचों वर्ग हैं उनके जो पंचम वर्ण होते हैं उनको हम नासिक के बोलते हैं। नासिक के यानी जो नाक से उच्चारण किया जाए। नासिक के व्यंजन हैं जैसे कि आपको यहाँ पे अंक, एक उदाहरण हमने दिया है, अंक में अ और बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी लगी अंग के बदले में, ये बिंदी जो लगी है ये बिंदी लगी है अंग के बदले में। इसी तरह से इस अन्य उदाहरण भी है, जैसे शंका, शंका क के साथ है, तो क का पंचम वर्ण, क वर्ग का पंचम वर्ण है अंग, अंग के साथ लगने के का मतलब इसका विग्रह जब हम करेंगे तो करेंगे श प्लस अंग, अंग में दो वर्ण है क और अंग, और उसके बाद क और आ, गंगा, गंगा में भी अंग शब्द है, जो बिंदी है वो बिंदी अंग के बदले में आई है। उसके बाद चंचल, चंचल को आपको मैंने करके दिखाया यहाँ पे, च य च ल, ये च वर्ण है, च वर्ण का पंचम वर्ण है य, इस च वर्ण का पंचम वर्ण है य, तो हो जाएगा चंचल। इसी तरह से मंजू,
मंजू, म में बिंदी है, उस बिंदी में ज जो है च वर्ग का वर्ण है, तो उसमें जब हम उसका विग्रह करेंगे तो इया शब्द का प्रयोग, इया वर्ण का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ठंडा, ठंडा ठंडा जो है ट वर्ग का शब्द है, ट वर्ग है, इसमें ट वर्ग होने के कारण इसकी जो इसका जो अनुस्वार है वो अण का प्रयोग उसमें किया जाएगा विग्रह करते वक्त। इसी तरह से कंठ, कंठ शब्द में भी बिंदी लगा के लिखेंगे और जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें ण शब्द का, ण वर्ण का प्रयोग होता है। फिर मंडल, मंडल मंडल शब्द में भी ड जो है वो ट वर्ग का है, इसीलिए अण ये वर्ण यहाँ पे प्रयुक्त तो हुआ है। इसी प्रकार आपको एक और उदाहरण देते हैं, जैसे पंत, पंत जो है त वर्ग का नासिक के न है, उनके बिंदी के जगह पे नासिक के जो वर्ण आएगा वो होगा न। उसी प्रकार पंथ, पंथ त वर्ग का वर्ण है था, और नासिक के जो बिंदी के बदले में आएगा वो हो जाएगा न। इसी प्रकार धंधा, धंधा हम बिंदी लगा के उसका प्रयोग करते हैं, बिंदी का प्रयोग करके धंधा लिखते हैं, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में हो जाएगा न वर्ण। फिर कंपन, कंपन कंपन में भी जब हम अनुस्वार लगाएंगे तो अनुस्वार हो जाएगा कंपन शब्द में, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो विग्रह में हम म वर्ण का प्रयोग करेंगे, क प्लस म प्लस प प्लस अ, क प्लस अ प्लस म प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस अ। इसी तरह से गुम्फ, गुम्फ ग प्लस उ प्लस म प्लस फ प्लस प्लस अ, गुम्फ। चंबा, चंबा चंबा में भी च प्लस म प्लस च प्लस अ प्लस म प्लस प प्लस आ। तो इस प्रकार आपने देखा कि पंचम वर्णों का प्रयोग विग्रह करते समय करते हैं, क्योंकि पंचम वर्ण जो है वह बिन अनुस्वार की जगह होता है, माने अनुस्वार की जगह पंचम वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे अनुस्वार हम अनुस्वार का प्रयोग जिसे करते हैं। हिंदी में बदलते हुए सरलीकरण के उद्देश्य से आजकल ये नियम बदल गया है थोड़ा, और नया नियम बन गया है कि जो नासिक व्यंजन है उनके स्थान पे केवल बिंदी का ही प्रयोग करते हैं। नासिक के बोलते हैं नाक से बोले जाने वाले वर्ण को, नासिक के वर्ण वे होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, नाक से जहाँ पे उच्चारण होता है उन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। तो अब नासिक के वर्ण का उच्चारण करने के लिए जो उच्चारण हम करते हैं उसमें फिर जब हम अनुस्वार लगाते हैं, तो ये जो है आजकल सरलीकरण के कारण नया नियम बन गया है कि पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बदले में अनुस्वार का प्रयोग ही करते हैं। अब आइए जानते हैं अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक शब्द हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी का निशान लगाते हैं, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी का निशान लगाते हैं। शिरोरेखा के ऊपर जब चंद्र बिंदु का निशान लगाते हैं तो उसे अनुनासिक कहते हैं, परंतु जब अनुनासिक के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी होती हो तो सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण इस चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। आजकल इस चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का भी प्रयोग चल रहा है। ऐसे स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग जहाँ पे आ रहता है वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसीलिए
चंद्र बिंदु का प्रयोग जहाँ पे आ वर्ण होता है, जहाँ स्वर वर्ण होता है, वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके अंग का प्रयोग ही कर देते हैं। जैसे कि आपको हंसना, आपका यहाँ पे शब्द है चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा में भी, चंद्रमा में ये अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक लगा हुआ है। हंसना, हंसना में अनुनासिक लगा हुआ है। इसी प्रकार आप देखिए जैसे हंस, अब इनका उच्चारण हम क्या करते हैं, जिन वर्णों का अनुनासिक उसे कहते हैं जिनका हम उच्चारण नाक और मुंह दोनों से करते हैं। केवल नाक से उच्चारण करने पे नासिक के वर्ण होते हैं और उन्हें अनुस्वार कहते हैं, और जहाँ पे अनुस्वार नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि जहाँ पे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अब जैसे ये वर्ण है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जैसे हंस, यहाँ पे हंस है और यहाँ पे हंस, हंस और हंस, हंस और हंस दोनों का ही उच्चारण देखिए आप करके आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हंस में पूरे न का उच्चारण आ रहा है और हंस में केवल मुंह और नाक दोनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए हंस, हंस बोलते हैं। इसी इसका जो है रूप इस प्रकार है। इसमें कुछ उदाहरण है, जिस इसमें हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं, परंतु शिरोरेखा के ऊपर जब स्वर की मात्रा भी लगती है, शिरोरेखा के ऊपर जब स्वर की मात्रा भी लगी होती है तो सुविधा के दृष्टि से और स्थान भाव के स्थानाभाव के कारण चंद्र बिंदु की जगह केवल अनुस्वार का ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे सिंहाड़ा शब्द है, सिंहाड़ा शब्द है तो यहाँ पे ये जो है चंद्रबिंदी का प्रयोग जो है अटपटा लग रहा है, चंद्रबिंदु का प्रयोग यहाँ पे अटपटा लग रहा है, इसीलिए हम इसे चंद्रबिंदी का प्रयोग ना लगा कर करके यहाँ पे बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ का ये उसका नियम है कि जहाँ पर अनुनासिक के साथ मात्राओं का प्रयोग होता है, स्वर के मात्राओं का प्रयोग होता है, वहाँ पे स्थाना भाव के कारण और सुविधा की दृष्टि से भी शुद्ध रूप जो है वो चंद्रबिंदी लगाकर नहीं करते हैं बल्कि अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे आप कहीं शब्द लीजिए, कहीं, कहीं में भी बड़ी की मात्रा है और इसमें चंद्रबिंदु लगाने पे थोड़ा अटपटा लगेगा, इसीलिए चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं बल्कि इसमें लगा देते हैं अनुस्वार। इसी तरह हिंडोला, हिंडोला शब्द है, हिंडोला में भी चंद्र छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा होने के कारण इसमें जो है हम वो नहीं लगाएंगे, चंद्रबिंदी नहीं लगाएंगे बल्कि चंद्रबिंदी की जगह हम लगा देंगे बिंदी, मात्र बिंदी लगा करके इस शब्द को लिखेंगे। शुद्ध और मानक रूप जो है हंस, हंस है, हंस, चंद्रबिंदी लगा के हंसना, हंसना में हंस, लेकिन आजकल और अशुद्ध रूप है हंस, हंस एक पक्षी का प्रतीक है, हंस शब्द से पक्षी का पता माने ज्ञान होता है, लेकिन हंस एक क्रिया है। इसी तरह से अंग, अंग जो है अंग में आपके चंद्रबिंदी नहीं लगेगा, अंग में आपका लगेगा अनुस्वार। आंगन, आंगन में जबकि आपका चंद्रबिंदी लगता है और अशुद्ध रूप है अनुस्वार लगा करके आंगन लिखना। और इसी तरह से कुंवारा, कुंवारा में चंद्रबिंदी लगाएंगे, कुंवारा में
चंद्र बिंदी जो लगा करके लिखते हैं वो शुद्ध रूप है, और अगर अनुस्वार लगा के लिखते हैं तो वो अशुद्ध रूप है। इसी प्रकार हूटा, हूटा शब्द है, हूटा शब्द में यदि हम चंद्र बिंदी लगाते हैं तो वो शुद्ध है, और यदि हम अनुस्वार लगाएंगे तो वो गलत रूप है। इसी प्रकार घूंघट, घूंघट, घूंघट में चंद्र बिंदी लगाएंगे तो वो शुद्ध रूप है, और अगर के अनुस्वार लगा देते हैं तो अनुस्वार अनुस्वार लगाते हैं तो वो अशुद्ध रूप है। अब अनुस्वार का कहीं कहीं निषेध भी होता है, अनुस्वार कहीं कहीं नहीं भी लगाते हैं। जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य र ल व आता है, सॉरी, जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य र ल व आता है वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जिन शब्दों के पश्चात य र ल व आता है उन शब्दों में अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे आपको बता दे पूर्ण शब्द है, जैसे यहाँ पे पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द में क्या है कि यहाँ जो अनुस्वार है ये ण ण शब्द है, ण वर्ण है, ण शब्द वर्ण जो है ये अपने निजी रूप में है, इसमें न का प्रयोग अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि अन्य, अन्य शब्द है, अन्य में न का उच्चारण हम करके अन्य लिखेंगे, और वो अन्य शब्द में अंग अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे। इसी तरह मान्यता, मान्यता शब्द जो है उसमें माँ आधा न य ता लिखेंगे, यहाँ अगर हम अनुस्वार लगा देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। इसी प्रकार कन्हैया शब्द है, कन्हैया, कन्हैया में क आधा न ह पे ए की मात्रा और या लिखेंगे, अगर हम इसमें क के बाद अनुस्वार लगा देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। इसी प्रकार शब्द है कड़व, कड़व, कड़व जो है इसमें भी अगर बिंदी लगा देंगे तो ये अनुस्वार लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब समन्वय, समन्वय, अगर हम समन्वय लिखते हैं और समन्वय में हम यदि बिंदी लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम समन्वय लिखते हैं स म आधा न व य ऐसे ही लिखेंगे, समन्वय जो हम इसी प्रकार लिखेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको यहाँ ऐसे बिंदी लगा देते हैं तो ये अशुद्ध रूप है, इसीलिए बिंदी नहीं लगाएंगे, ये हम न ही लिखेंगे समन्वय, ठीक है। अब आपको कुछ अन्य उदाहरण समझाते हैं, जैसे कि कुछ यदि अनुस्वार के पश्चात को पंचम वर्ण ङ य ण न म आ जाए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। यदि अनुस्वार के पश्चात पंचम वर्ण आ जाए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। अब अनुस्वार के अंदर जो मूल रूप है, जैसे कि आपका ये वांग्मय, वांग्मय जो है यहाँ पे ये कुछ उदाहरण है, यहाँ पे जैसे आपको बताते हैं वांग्मय, वांग्मय, यहाँ पे वांग्मय लिखेंगे तो वांग्मय का प्रयोग हम करेंगे तो वांग्मय जो है इस प्रकार लिखेंगे, ये वांग्मय, वांग्मय लिखेंगे, वा अंग और आधा फिर म य वांग्मय। तो ये इसका नियम क्या है, इसका नियम है कि यदि अनुस्वार के पश्चात क
कोई भी पंचम वर्ण आता है। अब देखिए यहाँ पे पंचम वर्ण आया है म, पंचम वर्ण यहाँ पे आया है म, तो पंचम वर्ण आने पर वो अपने ही रूप में रहेगा। ठीक है, ये नियम है कि यदि अनुस्वार के बाद अगर पंचम वर्ण आ जाता है तो वह अपने अपना जो उनका नी वो है रूप है उसी रूप में रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए सम्मान शब्द है, सम्मान सम्मान शब्द है। अब यहाँ पे हम बिंदी नहीं लगा सकते, यहाँ पे पंचम वर्ण आया है। ठीक है, पंचम वर्ण आया है तो पंचम वर्ण के साथ हम बिंदी नहीं लगा सकते हैं। सॉरी, पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण के साथ हम बिंदी नहीं लगाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे म आधा म और आधा पूरा म। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अनुस्वार के बाद यदि पंचम वर्ण आता है तो पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार नहीं लगता है। इसी तरह से अगला उदाहरण है सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित कुछ उदाहरण है सम्मिलित, जैसे कि स म मिलित, सम्मिलित। सम्मिलित में भी देखिए पंचम वर्ण आया है और ये पंचम वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे अंगा लगा के अगर अनुस्वार लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको अनुस्वार हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब इसी तरह से उन्मुख, उन्मुख शब्द है, उन्मुख में अगर हम यहाँ पे उन्मुख शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्मुख शब्द में हम जैसे उ आधा न मु ख, यहाँ पे देखिए पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण के पहले ये भी पंचम वर्ण है, तो बाद में परिभाषा में यही कहा जा रहा है कि यदि पंचम वर्ण अनुस्वार के बाद यदि पंचम वर्ण आए तो वो अपने मूल रूप में ही होगा, वो पंचम वर्ण जो है वो अपने मूल रूप में ही होगा। जैसे कि और उदाहरण आपको देते हैं, जैसे तन्मय, तन्मय शब्द है, तन्मय शब्द में भी त आधा न म य लिखते हैं, हम ऊपर बिंदी नहीं लगा सकते, अनुस्वार नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये नियम के अनुरूप ही हमें चलना है। नियम ये है कि अगर ङ पंचम वर्ण ङ य ळ न म आ जाए अनुस्वार के बाद तो वे अपने मूल रूप में ही रहते हैं, तो इनका मूल रूप हम नहीं बदल सकते। यहाँ पे मूल रूप है म, तो म को हम नहीं बदल सकते, ना हम न को बदल सकते, जहाँ जो है उसका मूल रूप ही रहेगा, ये हमें ध्यान देना होगा। इस प्रकार अब कुछ और उदाहरण है, जैसे अब अनुनासिक का कुछ उदाहरण है, अनुनासिक में इसके बाद है जैसे और कुछ उदाहरण है, जैसे कि अपवाद भी है इसमें, कुछ नियम के खिलाफ भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि सम उपसर्ग में अगर स में बिंदी जैसे लगाते, जैसे संयोग, संयोग ये अपवाद है, संयोग शब्द जो है वह अपवाद है, इसमें जो है ये नियम जो आपको अभी हमने बताया ये नियम उसमें नहीं चलेगा। इसी तरह से संयंत्र, संयंत्र शब्द भी इन उस नियम के अनुसार नहीं चलेगा। फिर संरचना, संरचना भी इस नियम के अनुसार नहीं है, ये अपवाद के रूप में आए हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पे जैसे संकल्प, कुछ शब्द और है, संकल्प है, संकल्प है, संचय, संबंध, ये सब नियम का अपवाद है, इन सभी को हम उस नियम के अनुरूप नहीं लगा सकते हैं। सम्मान शब्द भी, सम्मान शब्द में अगर हम इसी प्रकार, लेकिन सम्मान शब्द में यदि हम अनुस्वार लगा देते हैं और ऊपर अनुस्वार लगा के लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा। सम्मेलन में यदि अनुस्वार लगा के लिखते हैं तो वह भी गलत माना जाएगा। उन्नति में यदि हम अनुस्वार लगाते हैं तो वह भी गलत माना जाएगा।
इस प्रकार आपको फिर से एक बार इसकी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। उदासन अनुस्वार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे संरचना, संवाद, संचार, मंथन, संतान, कंगाल, निरंतर, भयंकर, उन्मुख। और उन्मुख एक थोड़ा अलग है, उन्मुख का उदाहरण हम इसमें नहीं लेंगे, वो आपको एक जो नियम बताया गया उसके अनुरूप है। फिर अनुनासिक के कुछ उदाहरण हैं, ऊंचाई, धुआं, कहाँ, कांटा, गांव, कारवां, मुंह, पूंछ, फादना आदि। ये सारे उदाहरण आप एक बार और दोहराइएगा। नाक से जो उच्चारण, नाक से जहाँ प्राणवायु निकले, नाक से जब प्राणवायु निकले तो उसके बोलते हैं अनुस्वार, और जब मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं प्राणवायु के निकलने के लिए तो वो है अनुनासिक। अब कुछ 10-10 उदाहरण आप अपनी कॉपी पे करेंगे।